नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Plus 5G versus Realme 12 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Plus 5G में 6.42 इंच जबकि 12 Pro Plus 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 12 Plus 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 12 Plus 5G में 2.97 इंच जबकि 12 Pro Plus 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 12 Plus 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 12 Plus 5G में 0.31 इंच जबकि 12 Pro Plus 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 12 Plus 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Plus 5G में 190 ग्राम्स जबकि 12 Pro Plus 5G में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 12 Plus 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Plus 5G में 20:9 जबकि 12 Pro Plus 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Plus 5G में 6.67 इंचेस जबकि 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Plus 5G में 1080x2400px FHD+ और 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Plus 5G में 87.36% जबकि 12 Pro Plus 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Plus 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro Plus 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Plus 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Plus 5G में माली G68MC4 जबकि 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Plus 5G में MediaTek Dimensity 7050 और 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 12 Plus 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 12 Pro Plus 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12 Plus 5G में अप टू 2TB जबकि 12 Pro Plus 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
12 प्लस 5G में दो कलर्स जबकि 12 प्रो प्लस 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 प्लस 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्रो प्लस 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,500 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Plus 5G में तीन फायदे और चार नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 Pro Plus 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12 प्रो प्लस 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo V30 5G है, तीसरा Realme 12 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।